हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के वर्सेस टेक्नोलॉजी और वायरलेस मोबिलिटी के इस पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट वन में हमने पढ़ा था व्हाट इज वाईफाई मोबिलिटी, व्हाट इज मोबिलिटी ग्रुपिंग, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या कहाँ हम यूज करते हैं। और इस पार्ट टू में हम इसके लिए बात करेंगे कि टाइप ऑफ मोबिलिटी, इंटर कंट्रोलर मोबिलिटी क्या होती है, इंट्रा कंट्रोलर मोबिलिटी क्या होती है, और हम इसके बेनिफिट जानेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ मोबिलिटी का मतलब है, सबसे पहले हम यहां पर हम तीन तरह की मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है मेरा इंट्रा कंट्रोलर, दूसरा है इंटर कंट्रोलर, इंटर कंट्रोलर L2, L2 मोड, और तीसरा है इंटर कंट्रोलर L3, L3 रोमिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रा कंट्रोलर की। इंट्रा से आपको मतलब समझ में आ गया, सेम सेम डोमेन, सेम कंट्रोलर, सिंगल कंट्रोलर। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये मेरा एक WLC है, ये मेरा एक WLC है। ठीक है, ये इसको मैं WLC 1 मान रहा हूं। एक AP मेरा यहां लगा हुआ है, एक AP मेरा यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, मतलब WLC 1 है मेरे मेरे सिस्टम में लगा हुआ, WLC एक ही WLC है। एक AP मेरा यहाँ लगा हुआ है, एक AP मेरा यहाँ लगा हुआ है। अब इससे क्या होगा, मेरा जब मेरा क्योंकि मेरा ये सेम WLC मेरा सिंगल सिंगल मोबिलिटी ग्रुप में, जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर की हुई है, दोनों AP उस मोबिलिटी ग्रुप में एड है, तो यहाँ पर मेरा एक यूजर लगा, यूजर कनेक्टेड है, उसका IP है 10.1.1.10। तो जब जब वो इस पर रोमिंग करेगा, इस AP पे जाएगा, तो उसको सेम IP ही रहेगा, क्योंकि सेम कंट्रोलर में, इंटर कंट्रोलर में। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज दैट आप एक मोबाइल यूज कर रहे हो और आपका एक ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है। सपोज दैट इसको मैं मान लेता हूँ, सपोज दैट कोई भी एरिया आपका दिल्ली का XYZ आपका एरिया है। यहाँ पर आपने देखा होगा छत पे मोबाइल के कुछ टावर लगे होते हैं, यहाँ पर ऐसे छतों पे आपने कहीं कई बार देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर टावर लगे रहते हैं। तो आप जब भी इस आपने देखा होगा कि जब आप बेसमेंट में भी रहते हो, किसी के घर भी जाते हो, छत पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपका वायरलेस के सिग्नल ड्रॉप नहीं होते हैं, क्योंकि वो इस टावर से कनेक्टेड है। आपका ये टावर है ये, क्योंकि आपका ये आप यहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप इससे कनेक्टेड हो। ठीक है ना, सेम फ्रिक्वेंसी में हो, सेम सेम ISP के डोमेन में हो, तो आप कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। अगर आप ऐसी जगह चले जाते हो बिल्कुल भी बेसमेंट में आप घुस के, जहां पर सिग्नल नहीं पहुंच सकते, तो वहां डिस्कनेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस या सिग्नल लॉस। वो मेरे AP के वायरलेस के भी इम्प्लीमेंटेशन में होता है। तो जब भी आप सेम एरिया में घूमते हो, आप सेम सोसाइटी में घूम रहे होते हो, सेम एरिया में घूम रहे होते हो, विदिन दो दो 3 4 5 10 किलोमीटर, तो आप डिस्कनेक्ट नहीं होते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप सेम सेम ISP के डोमेन में है, सेम चीज यहाँ पर होती है। अगर आप एक ही WLC लगा हुआ है, आप एक AP से दूसरे AP में घूम रहे हो, आपको सेम IP मिलेगा, सेम VLAN मिलेगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, अंटिल अनलेस आपकी ओवरलैपिंग ना हो और आपका जो आपने सर्वे किया है वो सही हो। ये हो गया मेरा इंट्रा कंट्रोलर मोबिलिटी। इंट्रा कंट्रोलर मोबिलिटी मीन सेम कंट्रोलर के अंदर ही AP के थ्रू मोबिलिटी में जाना। अब दूसरा जो मेरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मेरा इंट्रा कंट्रोलर, सॉरी सॉरी इंटर कंट्रोलर, इंटर कंट्रोलर L2, Layer 2। ठीक है, इंटर कंट्रोलर का मतलब आप जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, दो कंट्रोलर्स के बीच में। अब दो कंट्रोलर्स के बीच में का मतलब क्या हुआ, देखिए दो दो कंट्रोलर के बीच का मतलब होता है कि आपका ये एक कंट्रोलर WLC 1, एक आपका उसी उसी डाटा सेंटर में आपका दूसरा WLC भी लगा हुआ है, WLC 2। ये दोनों WLC HA में है, हाई अवेलेबिलिटी में है। ठीक है, आपने आपने हाई अवेलेबिलिटी पे है, आपने इन दोनों को एक्टिव एक्टिव भी काम कर रखा है, कुछ AP आपके इस पे कनेक्टेड है, कुछ AP आपके इस पे कनेक्टेड है, या जो AP इस पे कनेक्टेड है सेम AP इससे भी एसोसिएट होंगे, ऑब्वियसली जब HA में है। तो अगर मेरा ये WLC डाउन हो गया तो ये WLC मेरा अप आ जाएगा। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। ये दोनों मेरे WLC एक्टिव एक्टिव मोड में काम कर सकते हैं,
या ये डब्ल्यू एल सी मेरा डाउन, एक्टिव स्टैंड बाय पे काम करेंगे तो ये डब्ल्यू एल सी मेरा डाउन हो जाएगा, ये काम ये मेरा एक्टिव हो जाएगा, ये डाउन होगा ये एक्टिव हो जाएगा, ये भी सिनेरियो है। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है, इंटर कंट्रोलर, इंटर कंट्रोल में दो कंट्रोलर हैं। अब क्योंकि ये एच ए में है तो मुझे इन दोनों को सेम मोबिलिटी ग्रुप में रखना पड़ेगा, इनको मैं दो अलग अलग मोबिलिटी ग्रुप में नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सेम कॉन्फ़िगरेशन मेरी इससे भी सिंक होगी, ठीक है, इससे भी सिंक होगी। जब इससे सिंक होगी तो मुझे सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम मोबिलिटी ग्रुप, सेम विलेन, सेम आईपी, आईपी स्कीमा, सब कुछ मुझे सेम रखना पड़ेगा इसका, बस इनका मैनेजमेंट आईपी अलग रहेगा। क्योंकि यूजर को तो नहीं पता ना कि मैं इससे कनेक्टेड हूँ किससे कनेक्टेड हूँ, यूजर को सिर्फ इतना पता है कि ये मेरा प्राइमरी है और ये मेरा सेकेंडरी है, अगर मेरा ये डाउन हो तो एपी एपी को इससे कनेक्ट होना, बस एपी को इतना पता है। अब जो यूजर है उसको तो ये भी नहीं पता कि मुझे कौन से डब्ल्यूएलसी से मुझे सिग्नल मिल रहा है, यूजर तो यूजर को सिर्फ एपी से मतलब है। अब जब मेरा यूजर यहां से जा रहा है इस एपी पे, और अगर सुपोज दैट अब ये एपी भी यहां लगा हुआ है और ये एपी यहां पर भी कनेक्टेड है, तो जब मेरा ये मेरा एपी यहां से चला और इसी बीच में डब्ल्यूएलसी डाउन हो गया, बट ये एपी मेरा इससे कनेक्टेड था, ये अप हो गया इससे, तो मेरा यूजर इससे कनेक्ट हो जाएगा, उसको सेम आईपी मिलेगा, उसका आईपी चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेयर टू डोमेन में काम कर रहा है, लेयर 2 में आईपी चेंज नहीं होता। लेयर 2 का मतलब हो गया इंटर इंटर कंट्रोलर, जिसमें मेरा दो कंट्रोलर सेम डोमेन में है, सेम सबनेट में है, उसके अंदर सिर्फ मेरे एपी अलग अलग हैं, वो तो मेरा यूजर डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि आप रहते हो, एक आपका एरिया है, आप सपोज दैट आप रह रहे हो यहाँ पर दिल्ली में, और यहां पर आप आ गए नोएडा में, ठीक है, तो यहां पर भी आपके पास वोडाफोन है, यहां पर भी आपके पास वोडाफोन है, क्योंकि ये दोनों एक ही मोबिलिटी ग्रुप में, दोनों ही आईएसपी के अंडर है, तो जब आप इस दिल्ली से जब आप नोएडा जाओगे तो आप डिस्कनेक्ट नहीं होगे। इंटर कंट्रोल मतलब इंटर सिटी भी अगर आप मोबिलिटी कर रहे हो तो आप डिस्कनेक्ट नहीं होगे, आपको वोडाफोन पे या आइडिया पे या एयरटेल पे जियो पे जो भी आपका सिम है आपका मोबाइल डिस्कनेक्ट नहीं होगा, आपकी सर्विस चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो जाता है मेरा इंटर कंट्रोलर, इंटर सिटी रोमिंग कर रहा हूं मैं, इंट्रा सिटी कर रहा हूं तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बट इंटर सिटी भी अगर जा रहा हूं, इंटर स्टेट भी अगर मैं जा रहा हूं, इंटर सिटी तो दूर की बात होगी, इंटर स्टेट भी अगर मैं जा रहा हूं, इंट्रा तो हो गया मेरा इंटर सिटी कि मैं दिल्ली दिल्ली में घूम रहा हूँ, दैट इज माई इंट्रा कंट्रोलर हो गया। एक हो गया इंटर कंट्रोलर विद इन स्टेट, दिल्ली से हरियाणा जा रहा हूं मैं, दिल्ली से राजस्थान जा रहा हूँ, हरियाणा से राजस्थान जा रहा हूँ, किसी भी दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ तो भी मैं डिस्कनेक्ट नहीं होता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा फंडा होता है इंटर कंट्रोलर का, इंटर कंट्रोलर लेयर 2। तीसरे हम बात करते हैं इंटर कंट्रोलर लेयर 3। लेयर जहां लेयर 3 आ गया तो ऑब्वियसली आप लेयर 3 से आप समझ जाओगे कि मेरा आईपी इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये डब्ल्यूएलसी है, ये डब्ल्यूएलसी है, ये मेरा अलग डोमेन में है, ये मेरा डोमेन में है एबीसी, और ये मेरा डोमेन में है XYZ, ठीक है। इन दोनों को बात करने के लिए, इन दोनों की रोमिंग में बात करने के लिए क्या होगा, मुझे L3 डिवाइस चाहिए, इट कुड बी ए राउटर, इट कुड बी ए L3 स्विच, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये मेरे इंटर कंट्रोलर लेयर 3 रोमिंग हो गई, लेयर 3 मोबिलिटी होगी। लेयर 3 मोबिलिटी का मतलब हो गया कि यहां पर तो आप एयरटेल में हो, यहां पर आपको वोडाफोन मिल रहा है, किसी स्टेट में ऐसे जा रहे हो जहां एयरटेल की सुविधा नहीं है तो आपको मॉडम वोडाफोन मिल रहा है, या आपके आपके मोबाइल में वोडाफोन है और यहां पर आपका जियो है, आपके यहां पर गए आपका वहां पर आपका वोडाफोन का सिग्नल है ही नहीं, वहां सिर्फ जियो के सिग्नल है, तो यहां पर आपकी L3 रोमिंग हो गई, आपकी अलग से आप ISP के बीच में रोमिंग कर रहे हो, आप ISP के बीच में रोमिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लेयर 3। इसमें आपके आईपी चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे आप किसी स्टेट में गए, यहां पर आपको बोलेगा वेलकम टू वोडाफोन, यहां पर आप जाते हो वेलकम टू जियो, अब यहाँ पर जियो की सर्विसेज मिल रही है आपको, यहां पर आपके सर्विस डिस्कनेक्ट भी होगा, कनेक्ट भी होगा, लॉस सिग्नल ड्रॉप भी होंगे, फिर दोबारा से एसोसिएट होंगे, वो दोबारा से सर्च भी करेगा। कई बार आपने मोबाइल में देखा होगा सर्चिंग नेटवर्क, जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं ट्रेन में या गाड़ी से, आप मोबाइल में देखा होगा सर्चिंग नेटवर्क, जब आप मैनुअली सर्च करते हो कोई जिस भी सर्विस आईएसपी से आपको सिग्नल मिलता है उससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है आपका मोबाइल,
या आपने आप दूसरे कंट्री में चले गए, वहां आपको अलग 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 सिम लेनी पड़ेगी वहां के ISP के हिसाब से, क्योंकि आपका यहाँ का नंबर अलग हो गया, वहां का नंबर अलग हो जाता है। फिर आपका एक आपका वोडाफोन है, अगर आपको जियो में बात करनी है आपको जियो का नंबर लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ISP, दैट इज कॉल्ड लेयर 3। दो अलग सबनेट में बात कर रहे हो, दो अलग डोमेन में बात कर रहे हो, अलग दो मोबिलिटी ग्रुप में बात कर रहे हो। उसमें आपका यहाँ पर आपका 10.1.1.x था, जब आप इसमें जाओगे तो यहाँ पर आपका 2.20.1.1.x हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर आपका नंबर था 93xxxx, यहाँ पर आपको सपोज दैट हो सकता है 98xxxx। तो ये मेरी लेयर 3 रोमिंग होगी कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन, एक मोबिलिटी से दूसरे मोबिलिटी ग्रुप में चेंज होना। तो फ्रेंड ये जब भी आप WLC कॉन्फिगर करते हैं या वायरलेस के कॉन्फिगरेशन करते हैं तो WLC में ये ऑप्शन आता है मोबिलिटी का, बट अगर आपको देखना पड़ेगा कि मेरा HA कॉन्फिगर कर रहा हूँ या मेरा किस तरह की सिनेरियो है, ये सिनेरियो पर डिपेंड करता है। इसी में ही एक चीज और आती है AP ग्रुपिंग, इसी में ही एक टेक्नोलॉजी आती है एंकर फॉरनर कंट्रोलर, जो आपका एक ही कंट्रोलर रहता है दूसरे फॉरनर के लिए IP लेने के लिए आपको सेम कंट्रोलर के पास भेजता है, एंकर के पास भेजता है आपके पास। तो ये एंकर फॉरनर और टेक्नोलॉजी भी है, आप मुझे बता देना कमेंट करके अगर आपको एंकर और फॉरनर टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स ये मेरी एक जो मोबिलिटी पे जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने बात करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि मैं समझा पाया हूँगा, जितना मुझे पता था मैं शेयर कर पाया हूँगा आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मेरी वीडियो देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स, टेक केयर।